सेंटा की कहानी। उत्तरी ध्रुव की तरफ एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम निकोलस था। उसको बच्चों खुश देखकर बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे खिलौने बनाया करते थे। निकोलस को तोहफे देना बहुत पसंद था। वो खिलौने बनाते और बच्चों को देने जाते। सभी बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश हो जाते। उन्हें हंसता खिलखिलाता देखकर निकोलस भी बहुत खुश होते थे। तभी क्रिसमस का त्यौहार भी आ गया। निकोलस ने सोचा कि बच्चों के लिए अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे तोहफे बनाए जाए। निकोलस ने बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे खिलौने बनाए और क्रिसमस वाले दिन खिलौने लेकर बच्चों को बांटने जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि घर के बाहर तो बर्फ ही बर्फ है। उन्होंने सोचा बच्चे घर में ही होंगे, उनके घर जाकर तोहफे दे आता हूँ। निकोलस बच्चों के घर जाकर चोरी से उनके घर के बाहर मोजे में उपहार छुपाकर आने लगे। फिर और भी ज़्यादा बर्फ पड़ने लगी और निकोलस भी थक चुके थे, तो निकोलस ने सोचा बारहसिंगा और बर्फ़ की गाड़ी की मदद से बाकी बच्चों को उनके उपहार निकोलस बारहसिंगा और बर्फ़ की गाड़ी की मदद से बाकी बच्चों के घर जाने लगे। लेकिन ज़्यादा बर्फ़ पड़ने के कारण गाड़ी का चलना मुश्किल हो पा रहा था। सोचने लगे अब क्या करूं, कैसे बच्चों के उनके उपहार देकर आऊं। तभी वहां एक परी आई और कहने लगी, निकोलस घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो परी ने निकोलस को दो बोने दिए और कहने लगी, ये बोने तुम्हारी खिलौने बनाने में मदद किया करेंगे और बारहसिंगा भी अलग शक्ति के साथ हवा में उड़ पाएंगे। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। तुम्हारा बच्चों के प्रति प्यार हमेशा जिंदा रहेगा और आज से तुम सेंटा के नाम से जाने जाओगे। तभी से निकोलस को सेंटा के नाम से जाने जाने लगा। आज भी बच्चे सोचते हैं कि रात को सेंटा आएंगे और उनको उपहार देकर जाएंगे।